नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज फरवरी की 16 तारीख है और मैं अपने भाई बहनों को अपना एक टाइनी गार्डन, रेड पोपी वाला जो है, वो दिखाना चाहती हूँ। तो आपको याद होगा, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ी सी मिट्टी में जो मैंने ग्रो किए थे, तो इतने सारे फूल इस पे आए हैं और लगातार आ रहे हैं। तो आप सामने अभी देख रहे हो कि नहीं? क्योंकि अभी पिछले दिनों जब 2 दिन थोड़ी हवा भी चल रही थी, बारिशें भी हो रही थी, तो इसके फूल काफ़ी जो हैं ये झड़ जाते हैं, ये चिपक गए थे तो झड़ जाते हैं। तो फिर भी देखिए, इतने ऊंचे ऊंचे ये हो गए हैं इतनी सी मिट्टी में। ये वही वाला मीटर का जो डिब्बा है, मीटर का जो डिब्बा नहीं है, ये ढक्कन, जो डिब्बे में तो मैंने पिटूनिया लगा रखे हैं, तो ये थोड़ी सी मिट्टी में जो मैंने आपको बताए थे ग्रो करना, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे फ्लावर्स आए हैं, ढेर सारे फूल आए हैं, बहुत ही खूबसूरत, और कई तरह के हैं। ये तो कोई रेड कलर के हैं, और बीच में इस तरह से डिज़ाइन है, ये आप देख पा रहे हैं, और कोई ये वाइट कलर का ये बॉर्डर है, और इस तरह से हैं। तो ये कई तरह से, और वाइट कलर का बॉर्डर भी कईयों में ये चौड़ा है और कईयों में ये कम है। तो आइए, आप देख रहे हैं, ये देखिए कितने फूलों का ये पूरा जो मेरा टाइनी गार्डन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। तो इसमें ये देखो, फ्लावर वर्ड्स इसमें ढेर सारी आई हुई है, ये कल तक ये खिल जाएंगे, ये खिल जाएंगे, ये फ्लावर वर्ड्स देख रहे हैं, ये ढेर सारी। तो ये जो कमाल है, ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ, ये सब उन्हीं चीज़ों का कमाल है। तो आप ये देख पा रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो ऑर्गेनिक चीज़ों में करनी पड़ती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो, तो वो तो आपने स्टोर किए और डाले और हो गया काम, बट जो इनके रिजल्ट हैं ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं। इतना ऊंचे हो गए हैं ये प्लांट्स मेरे, कितने ऊंचे हो गए हैं ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी में ढेर सारे लगे हैं। ये देखो, ये और ये ऐसे, और ये नीचे तक, ये ढक्कन में जो लगे हैं थोड़ी सी मिट्टी में, तो ये इस तरह से ये लगे हैं। तो इतना ढेर सारे प्लांट्स लगाए हैं मैंने थोड़ी सी मिट्टी में, तो देख पा रहे हैं आप। और खुशी की बात यह है कि मेरे यहाँ कल से कैलिफोर्निया पोपी भी खिलना स्टार्ट हो गया है, वो भी मैंने ग्रो करना आपको सिखाया था। तो ये जो फ्लावर वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं, तो फ्लावर्स के बीच में ये वाली चीज़ आ रही है, ये जो है ये पोड बनेगा, सीड पोड बनेगा, ये जो डोडी आ रही है जिसको डोडी बोला जाता है, और फिर ये जब फूल झड़ जाता है उसके बाद ये कुछ इस तरह से ये हो जाती है, इस तरह से, और जब पकने के बाद ये पूरी लकड़ी सूख जाती है, बाहर का हिस्सा सूख जाता है, तो इसमें फिर अंदर सीड भरा होता है, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब ये सीड इनमें सीड तैयार होगा, ये ढेर सारा सीड इनमें तैयार होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये ढेर सारा इनमें सीड। तो अभी ये कच्चे हैं, ये मेच्योर नहीं हुए हैं, और जब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर के, जैसे लकड़ी सूख जाती है ना बाहर से, कवर सूख जाता है, तो फिर ये मेच्योर हो जाएंगे सीड। तो देखा आपने कितने सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये मेरा टाइनी गार्डन। और मैं आपको कैलिफोर्निया पोपी दिखाती हूँ, ये मेरे गार्डन में ये कैलिफोर्निया पोपी, ये आप देख रहे हैं। कई मेरे भाई बहन की फरमाइश थी कि कैलिफोर्निया वाला प्लांट भी दिखाएं, तो ये है वो कैलिफोर्निया वाला प्लांट, और ये मेरा ये कैलिफोर्निया पोपी, ये खिलना स्टार्ट हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। और दिन में ये खिला रहता है धूप में, और शाम के टाइम ये फिर बंद हो जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि ये देख रहे हैं, जैसे कि ये जो हैं, ये जो रेड वाले हैं, रेड वाले तो पूरा टाइम ये खिले रहते हैं इस तरह से, ये देख पा रहे हैं। तो और भी कई जगहों में मैंने ये ग्रो कर रखे हुए हैं, और ये मेरे गार्डन में गुलाबों की भी बहार आई हुई है, ये देख पा रहे हैं, ये इस तरह से,
ये गुलाबों की भी बहार आई हुई है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चलते चलते कुछ और भी दिखा दूँ। ये मेरे गार्डन में जो है गजानिया का भी ये खूब ये खिल रहे हैं फ्लावर्स। पर चिड़ियाँ तो फिर अपनी कारस्तानी रोज़ करती ही रहती हैं, तो उसके बावजूद भी ये खिल रहे हैं और खूब सारी ढेर सारी इन पर बर्ड्स आई हैं। और इस तरफ भी मैंने लगा रखे हुए हैं ये पोपी के, ये देखो कितने अच्छे से खिल रहे हैं, बड़े बड़े फूल हैं। ये देखो ये देखो ये मेरे देख रहे हैं आइस फ्लावर्स खूब सारे खिल रहे हैं, ढेर सारे खिल रहे हैं। और ये देखिए चिड़ियाँ यहाँ भी कमाल कर रही हैं, बट फिर भी चलो ये खिलते जा रहे हैं ये कुछ इस तरह से। और अगर मैं इस पे हो सकता वीडियो ना बना पाऊँ, मुझे टाइम ना मिले, तो मेरे बहन भाई जो इसका सीड चुनना चाहते हैं, तो जब ये फूल सूख जाता है तो आप इसे हटाएं नहीं, सूखने दें ऊपर। और सूखने के बाद ये फूल जो है कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये चिड़ियाँ नहीं यहाँ छोड़ रही कुछ भी, ये ऐसे सीड पॉड बन जाता है ये, और इसके अंदर ढेर सारा सीड भरा रहता है सूखने के बाद, वो आपको सूखने के बाद मिलेगा। तो ये आप ढेर सारे सीड इसके जो है अपने घर में तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और कल जो मैंने ये दिखाया था, आज देखो ये एक काट खाया उसने चिड़िया ने, तो ये सूख गया मेरा, यहाँ से काट खाया उसने। चिड़िया बहुत परेशान, बहुत शरारतें करती हैं। और चलते चलते मैं ये अपने टमाटर देसी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने सारे हैं, ढेर सारे ये लग रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप ये कितने सारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखो कोई केयर नहीं कर रहा है, तो ये आप भाई बहन पूछते हो कैसे केयर करनी, तो इसकी तो कोई भी केयर नहीं होती, ये अपने आप ही लगते रहते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो ये देखा, तो मैं तो जंगल बना देती हूँ एक ही पॉट में कितने सारे, मैं एक पौधा नहीं बनाती हूँ। तो फिर ढेर सारे टमाटर, साइज़ तो देखो देसी वाले टमाटर हैं ये। तो चलते चलते कुछ और, तो आप इनमें अगर ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो जैसे जब भी आप गोबर की खाद, आप जैसे थोड़ी सी मिट्टी है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो गोबर की खाद का, तो वो इसमें आप डाल सकते हो, या फिर कंपोस्ट वगैरह का, पत्तों वगैरह का हुआ तो वो सब बनाते हो, तो ये हर हफ्ते आप इसमें थोड़ा सा डाल दें, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल खिलते हैं। और बहुत तेज़ धूप में आपने इनको नहीं रखना है, मैंने जहाँ पे रखा हुआ है तो सुबह की 4-1 घंटा की धूप आती है इनमें, तो मैंने देखा कि बहुत अगर फूल सनलाइट में इसे आप रखते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप रहती है, तो फिर ये इसकी पत्तियाँ जो हैं जलने लगती हैं। तो जिन जगहों में जैसे ठंडा मौसम रहता है वो इसे चाहे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, बट जैसे हमारे जैसे मौसम वाले मेरे भाई बहन हैं, तो वो फिर इसे जो है उस जगह में रखें जहाँ पे 4-1 घंटे की धूप आती है, तो वो काफ़ी है इसके लिए, तो देख पा रहे हैं। और गुलाबों को भी आपने ऐसी जगह में ही रखना है। तो बस यही सब इसकी केयर करनी है, और कोई मैंने इसमें जो मिट्टी बनाई थी जिस टाइम बनाई थी उसी टाइम बनाई थी, और कोई एक्स्ट्रा जैसे गोबर की खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि डालने की जगह ही नहीं है। तो छोटा सा ये ढक्कन था और ये भरा पड़ा है ऊपर तक, फिर मैं इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी बनाती हूँ, तो जैसे गोबर मैंने भिगो के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया और बस इसको हर हफ्ते दे देती हूँ। तो यही सब इसकी केयर करनी है, तो इससे आपको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा फूल मिलेंगे, खूब सारी बर्ड्स आएंगी। तो ये देख पा रही हैं आप, खूब सारी ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं, और कितने हेल्दी प्लांट्स हैं ये, खूब सारी ये सब ढेर बर्ड्स आई हुई हैं, ये सब कल खिलेंगे। अब ये देखो ये खिलने को तैयार हैं, ये सब फूल इसके कल खिलने हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।